टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड में जेल प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में 8 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि तमिलनाडु पुलिस के 9 जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहां के कमांडेंट का पत्र लिखा है। इसके अलावा इन सभी 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। जेल अधिकारी ने बताया कि विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जेल अधिकारी ने बताया कि जेल संख्या 8-9 के 2 सहायक अधीक्षक, 1 हेड वार्डन व 4 वार्डन के लापरवाही सामने आई है। जांच में सामने आया है कि घटना के दौरान ये लोग वहां मौजूद नहीं थे। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। टिल्लू हत्याकांड का वीडियो लीक होने से जेल प्रशासन परेशान है, वह वीडियो लीक होने की जांच करवाएगी। जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली पुलिस की मुखिया को पत्र लिखा जाएगा ताकि दिल्ली पुलिस उस शख्स का पता लगाया जाए जिसने फुटेज लीक की है। मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के पास भी जेल की फुटेज मौजूद है। ऐसे में अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फुटेज जेल से या फिर दिल्ली पुलिस की ओर से लीक की गई है।